गोरखपुर नगर निगम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं। काजल जी, एक बड़ी चुनौती और सबसे ज्यादा प्राइम फोकस जो है नगर निगम है, ये इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या लगता है, किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी? सर्वप्रथम मैं नमस्कार करती हूँ आपको और सारे दर्शक मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। ये चुनौती बड़ी तो है, लेकिन ये लड़ाई काजल निषाद की नहीं है, ये लड़ाई जनता बनाम सरकार की हो गई है। अब काजल निषाद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, गोरखपुर की जनता अब चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है, जिस तरीके से पहले दिन से जब से आपका नाम नहीं आया था तब से लेकर जो है कहीं ना कहीं आपके साथ तमाम कंट्रोवर्सी जुड़ती रही, आपने कहा मैं संजय निषाद की जो है बहू हूँ, संजय निषाद कहते हैं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप कहती हैं कि जो है आपने ट्वीट किया एक राम को लेकर, उसको लेकर विवाद हुआ, क्या इन विवादों के जरिए सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं, मैं सच को सच कहती हूँ और गलत को गलत कहती हूँ। सुर्खियाँ अपने आप लोग बना लेते हैं, मैं तो सच बोलती हूँ, लोगों को अपने आप बुरा लग जाता है, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। और जैसे आपने कहा कि ससुर जी वो हमारे लगेंगे, मैं निषाद समाज की बहू हूँ, मैं गोरखपुर की बहू हूँ, तो वो हमारे ससुर लगेंगे, उसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये बात सत्य है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज से चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं जो है, तो जहां पर जिस सीट पर खुद सीएम चुनाव प्रचार पर उतरे जो है, तो चुनौती तो बड़ी है। अगर इस सीट पर खुद सीएम जी चुनाव प्रचार में उतरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो ये शर्म वाली बात है उनके लिए। क्यों, एक मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए नहीं आना चाहिए? क्यों, जब मेयर भारतीय जनता पार्टी के है, जब विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी सालों से सांसद रहे, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, ऐसे शहर में जहाँ कोई ठीक से साफ सफाई नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ है, फिर भी उन्हीं को यहाँ पे चुनाव प्रचार में उतरना पड़ रहा है, तो ये शर्म वाली बात है। क्यों, एक मुख्यमंत्री अगर पूरे प्रदेश में, वो चूंकि लीडर भी बीजेपी के हैं, अगर वो चुनाव प्रचार में उतरते तो शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म, अखिलेश यादव अगर बैठ करके केवल ट्वीट कर रहे हैं तो वो शर्म की बात नहीं है, उन्हें नहीं उतरना चाहिए। सुनिए मेरी बात, क्योंकि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूं। नहीं पत्रकार महोदय, आप नहीं समझ रहे हैं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक छत्र भारतीय जनता पार्टी का राज है, और आपने अगर विकास किया है, आपने स्वच्छ किया है, आपने सुंदर किया है, सौंदर्यकरण किया है अगर गोरखपुर शहर का, तो आपको चुनाव प्रचार में उतरने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता भर भर के आपको वोट देगी, आपको गलियों की खाक छानने के लिए। अखिलेश यादव शायद इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए बाहर नहीं निकले, उन्हें मालूम है कि उन्होंने जो पहले काम बोलता जो था वो आज भी उनका चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव प्रचार में सब अपना प्रचार करेंगे, लेकिन ये बाबा जी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये गोरखपुर शहर की मैं बात कर रही हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ। वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, वो कहीं भी जा सकते हैं, खासकर मैं गोरखपुर की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ 3-4 सभाएं लगती है तो ये शर्म की बात है कि इस शहर को तो सबसे ज्यादा सुंदर हो जाना चाहिए था। आपको लगता कुछ नहीं बदला है गोरखपुर में? नहीं नहीं बदला नहीं, देखिए अगर एक छत्र राज करते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे मेडिकल रोड से लेकर मंदिर तक अगर स्ट्रीट लाइट लगा दी है और उतना विकास किया तो उसको विकास नहीं कहते हैं, वो बदला। आपके पास क्या बचेगा अगर आप मेयर बनती हैं तो आप यहाँ की क्या तस्वीर बदलेंगी, आपके उसमें एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो मैं यहाँ की बहू हूँ, तो गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना चाहती हूँ, और इसके लिए सबसे बड़ी समस्या जलभराव की समस्या है, गोरखपुर का मेन मुद्दा है, और जितने भी ये छुट्टे पशु जो मवेशी जानवर घूम रहे हैं एक वो, और ट्रैफिक जाम की यहाँ समस्या है, लोगों को अस्पताल जाना होता है अर्जेंटली तो वो पहुँच नहीं पाता है ट्रैफिक की वजह से, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो सबसे पहले ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो दुरुस्त करेंगे, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएंगे। दूसरा कि बारिश के पूर्व जो है वो नालियों की साफ सफाई होती नहीं है, इसीलिए जलभराव होता है, ये इन्होंने सालों से नहीं किया। मैं इसीलिए भी कह रही थी कि बड़ी शर्म की बात है, गढ़ है बाबा जी का तो सबसे सुंदर होना चाहिए, और मैं काजल निषाद लाइव वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, और जो मैं वीडियो दिखाती हूँ ना वो गोरखपुर का दिखाती हूँ, अमेरिका का या लंदन का नहीं दिखाती हूँ, मैं गोरखपुर शहर ही दिखाती हूँ अलग अलग वार्ड में। आज एक बड़ी बात है, एक तरफ जहाँ अतीक और मुख्तार जैसे मुद्दों को जो है बीजेपी उठा रही है, वहीं आज अतीक अहमद के बेटे ने जेल से अपील की है कि ना तो बीजेपी और ना तो समाजवादी पार्टी, दोनों को चुनाव हराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पिता की मौत के पीछे दोनों जिम्मेदार हैं। अरे तो उनके विचार है, वो अपना कोई भी विचार प्रकट कर सकते हैं, उससे मुझसे क्या लेना देना। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि गुंडों का सफाया हो रहा है इस राज में, तो जाति देखकर ही हो रहा है क्या?
नहीं, एक बात बताइए, ऐसे चुनाव आते रहेंगे तो चुनाव में जो एनकाउंटर होते रहेंगे, जाति देखकर आप बताएंगे कि ये अपराधी है? मतलब आप मानती थी अतीक और मुख्तार जैसे लोग अपराधी नहीं है? नहीं, बिल्कुल, जो अपराधी होता है, जो दोषी है, उनको सजा दीजिए कानून के तहत। लोकतंत्र है यहाँ, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिकाएं हैं, उसके तहत आप उनको लगता है इन मुद्दों के साथ अब जनता की संवेदनाओं को जगा पाएंगे, उन्हें अपने साथ कर पाएंगे? ये मुद्दे मेरे नहीं है, ये मुद्दे तो पूरे भारतवर्ष के और पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। मेरा मुद्दा, मैं अगर नगर निगम का चुनाव लड़ रही हूँ, महापौर पद की प्रत्याशी हूँ, तो मेरे मुद्दे यही है कि मेरी जनता परेशान है। जहाँ जहाँ जा रही हूँ, नालियाँ बज बजा जा रही है। मैं खुद मेरी रैली में दो सांड लड़ते हुए आ गए थे और तीन बच्चियों को लगा, एक महिला को लगा, और मेरे हाथ से ये मोबाइल भी छूट गया। ये मेरे मोबाइल की हालत है, ये पूरी पट्टियाँ आ गई हैं। तो जब मेरे साथ ये हो सकता है, तो आम जनता के साथ भी हो सकता है। तो ये मुद्दे हैं गोरखपुर के, इन मुद्दों को लेकर मैं उतरी हूँ। तो सर्वप्रथम तो ये जितने भी जानवर छुट्टे घूम रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। एक तो किसान परेशान कि कई क्विंटल ये जानवर चर जाते हैं, बाबा जी क्यों नहीं इनको कहीं जगा देते? गोरखपुर वैसे भी गढ़ है, सियासत का गढ़ है, और पूर्वांचल में हमेशा से सियासत इस गोरख पीठ के आसपास से यहाँ से चलती रही है। एक बड़ी चुनौती, अगर आप जीतती हैं तो भी इतिहास बनेगा, और अगर नहीं जीतती हैं तो भी अपने आप इतिहास के पन्नों पर नाम जरूर दर्ज होगा। तो क्या मान के चल रही हैं, कितना समर्थन और कितनी बड़ी जीत आप अपने आप को इंश्योर कर रही हैं? जैसे अभी आपने ही कहा पत्रकार महोदय कि गोरखपुर गढ़ है, बिल्कुल गढ़ है, और बाबा जी का गढ़ है। हाँ, ठीक ना, तो उसको सुंदर स्वच्छ होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मेरे वीडियो कभी लाइव देखे हैं आपने? हाँ, मैंने बहुत देखा। मैं 14 नंबर वार्ड में गई थी, दिखा था वीडियो, कितना गंदा वीडियो था, दिखाया था ना वीडियो में, मतलब कितनी गंदगी थी। आप आगे तो विकास की गंगा बह जाएगी जैसे बाकी यूपी में बही थी। आप ये मानते हैं कि 14 नंबर वार्ड में जो मैंने दिखाया गंदगी, वो गोरखपुर की थी या अमेरिका की थी? योगी जी कह रहे हैं मैं तो पूरे प्रदेश की गंदगी साफ कर रहा हूँ, आप केवल एक वार्ड की गंदगी को लेकर। सुनिए, और मैंने जो 19 नंबर की जो गंदगी दिखाई थी, गोरखपुर की थी या विदेश की? कह तो रहा हूँ कि ज्यादा बड़ी गंदगी, वो तो कह रहे हैं मैं तो पूरे यूपी गंदगी साफ करने में लगा, जब यूपी साफ हो जाएगा तो 14 नंबर 19 नंबर अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने तो आपके पास क्या चुनौती? मैंने सोरहिया टोला का जो गंदगी दिखाया था वो गोरखपुर की थी कि विदेश की थी? मैंने जो 75 नंबर का फुलवरिया बाजार का पूरा गंदगी दिखाया था, गोरखपुर की थी कि विदेश की थी? मैं समझ गया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लड़ाई कौन सी बड़ी है। वो कह रहे हैं मैं यूपी को साफ कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं गलियों को साफ करूंगी, तो अगर यूपी साफ हो जाएगा तो गलियां साफ नहीं होंगी क्या? तो ज्यादा बड़ा मुद्दा वो नहीं है क्या? उसका मुकाबला कैसे करें? सुनिए, आपने कहा नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं इस मुद्दे पे भी आ रही हूँ। बाबा जी जो है गुंडे मवालियों को साफ कर रहे हैं, अपराधियों का, ठीक है, जाति देखकर साफ करेंगे? हाँ, जाति देखकर साफ करेंगे? कुलदीप सिंह को लगता मतलब पिक एंड चूज हो रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी जाति के? जेल में नहीं है क्या वो? नहीं है क्या? तो एनकाउंटर नहीं हुआ? विकास दुबे मारा नहीं गया? बुलडोजर नहीं चला? विकास दुबे मारा नहीं गया? बुलडोजर चला उनके घर, ठीक है। अभी की मैं बात कर रही हूँ, चलिए मैं अभी की बात, अभी और कभी की बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप इन कार्रवाइयों के खिलाफ है क्या? क्या आप इन कार्रवाइयों के खिलाफ है? सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं साथ दूंगी बाबा जी का। अगर अपराधियों का, अगर पुलिस वाले मारे जाते रहे खुलेआम, तीन पुलिस वालों की मौत हुई प्रयाग के अंदर, जिन लोगों ने मारा, अगर उन्हें पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा, क्या वो गलत था? ये आपके हाथ में माइक है तो बार बार हमारे मुंह से उठाकर आप अपने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई गलत? सुनिए, मैं आप ही की पत्रकार महोदय, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी भी बात सुनिए, बिल्कुल आप अपनी आवाज में बात करें। नहीं नहीं, मैं आपकी आवाज, मैं लगातार घूम रही हूँ, मेरी गटैया बैठ गई है, इसका मतलब आप दमदारी आवाज। मैं भी पूरा उत्तर प्रदेश घूम करके गोरखपुर आया हूँ, और मेरी भी गला उतना ही बैठा जितना आपका जी। नहीं नहीं, आप एक जनपद देख रहे हो और मैं पूरा प्रदेश, ठीक है। अपराधी अपराधी होते हैं, ठीक है, उसको किसी जाति से मत जोड़िए। वो अपराधी है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, पालिका है, न्यायपालिका है, लोकतंत्र है, इस हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। उम्र कैद दीजिए, फांसी दीजिए, सब कीजिए सारे अपराधियों को। जैसे पीयूष रंजन जो है, आप लोग सिलेक्टिव, आप लोगों को दर्द क्यों होता है जब बाकी पर कार्रवाई तो दर्द क्यों नहीं? नहीं, नहीं, आप बिल्कुल, अरे अतीक पर कार्रवाई, आप समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े ट्वीट किए कि गलत हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छा, सिलेक्टिव, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों को उजागर कर रही हूँ तो आपको? मुझे बिल्कुल दर्द नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप सिलेक्टिव अपराधियों पर, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। आप मुझे कह रहे तो मैं भी आपको कह सकता, आप यहाँ आरोप पर प्रत्यारोप, बिल्कुल, मैं सिर्फ ये,
नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में कामयाब हो पाएगी? कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो आपका नजरिया है, आप अपनी पता नहीं भड़ास कहीं और जाकर निकालिए। ये कोई विरोध नहीं कर रहा है, अपराधी अपराधी ही होता है, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक ही जाति विशेष को अपराधी मान लेंगे और बाकी यहाँ बलात्कार जनता को समझा पाएंगे, बच्चे को जनता को समझाते रहे, बच्चियों का बलात्कार करते रहे, वो अपराधी नहीं होते हैं। गोरखपुर की जनता को समझा पाएंगे? तो और बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। काजल जी, गोरखपुर की जनता को समझा पाएंगी, उन्हें एतबार दिला पाएंगी, उन्हें 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 ये उम्मीद जता पाएंगे कि आपके आने के बाद यहाँ की तस्वीर? हाथ में होता माइक तो मैं भी ऐसे ही कर लेती, मेरे हाथ में दे दीजिए ना, मेरे हाथ में दे दीजिए, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, मेरे हाथ में पर आ जाइएगा तब देखिए। आज आप प्रत्याशी, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जब मैं लड़ूंगा मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपके लिए तुरंत माइक हटा लेंगे, तो आपको लग रहा है हमारी जनता तक आवाज नहीं है? उस दिन मेरे साथ मेरे भाई भाई चुनाव नगर निगम का लड़ रही हूँ, जनता की आवाज उठाऊंगी पहली बार। नहीं नहीं, सवाल पूछा है तो सवाल का अंत भी होगा, सवाल पूछा है, सवाल का अंत भी हम करेंगे कि बलात्कारी भी एक अपराधी होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गुजरात में छोड़े हैं या नहीं? भले बच्चों से गलती हो जाती हो, छोड़े भले बच्चों से गलती हो जाती। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, जो बयान दे वो गलत हो जाता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कर ऐसा क्यों? ये आईना, आईना अगर आप इधर कह रहे हो, आईना क्यों नहीं? सबको एक साथ क्यों नहीं देख पाते? सुनिए सुनिए, जो बयान दे वो गलत, और जो सच में जमीन पर कर दे बात को, सच में अपराधियों को छोड़ दे, वो संत, वो संत और वो पूजनीय। वो तो कह रहे हम छोड़ ही नहीं रहे किसी को, वो तो कह रहे हम किसी को छोड़ ही नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 11 अपराधियों गुजरात में छोड़े हाँ या ना? वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश किसी को नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो कोई भी होगा। आप ये जवाब नहीं देंगे? मैं कह रहा हूँ ना, योगी बाबा उत्तर प्रदेश में गया, वो कह रहे हैं मैंने किसी को नहीं छोड़ा, बलात्कारियों को छोड़े के नहीं? मुझे नहीं मालूम, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में, मुझे मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, भागिए नहीं, भागिए नहीं, अभी सुनिए, अभी सुनिए, मैं आपसे जो उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं मैं किसी को नहीं छोड़ा, मुद्दे पर आइए ना, जिनको कोई ज्ञान, आप जिनको मुद्दे पे आइए, आप एक बार आराम से, या तो इनका इंटरव्यू कर ले, आप कर ले, अरे आप मुझे मुद्दे पर आइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्या आप, आपको ज्ञान नहीं है तो मुझे बिल्कुल मान लीजिए मैं अज्ञानी हूँ, मैं मानता हूँ अज्ञानी, लेकिन मेरा आपसे सवाल, मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है, क्या आप जनता को जो सवाल आप करें, क्या आप जनता को यकीन दिला पाएंगी? यही ये बात जिंदाबाद करके जीत लेना, ये कह रहा हूँ क्या आप जनता को ये यकीन दिला पाएंगी, जो मुद्दे आप उठा रही हैं, यही मुद्दे अखिलेश यादव उठाते रहे, यही मुद्दे पूरी समाजवादी उठा रहे, लेकिन 22 में इन मुद्दों पर जनता ने यकीन नहीं किया, आज कितना यकीन कर पाएगी? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप ये मत सोचिए कि मैं आपके निगर, मैं सिर्फ ये बात करूं कि जनता को कितना एतबार आप जता पाओगे? जनता मेरे साथ है, जनता पूरी तरह से मुझे समर्थन दे रही है, और ये काजल निषाद का चुनाव रह ही नहीं गया, ये जनता बनाम सरकार का चुनाव चल रहा है मेरे भाई। जनता कह रही है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है मेरे दौरे, अगर आप देखेंगे जनसंपर्क, मैं सिर्फ चली जाऊं अभी, औरतें बर्तन धोते हुए उठ जाएंगी, मोहनी बीन रही है तो उठ जाएंगी, घर द्वारी बना रही है तो उठ जाएंगी, बच्चे खेल रहे तो खेल छोड़ कर उठ जाएंगे, दीदी आई सब एक साथ जुट जाते हैं, जनता मुझे बड़ा सहयोग। भी गोरखपुर की जनता स्टारडम को पसंद करती है, और आप भी अभिनेत्री रही हैं, और यहाँ पर कई अभिनेता अभिनेत्रियों को जगह मिली है, तो उम्मीद करती हैं कि शायद स्टारडम के भरोसे ही सही गोरखपुर की जनता यकीन करेगी? नहीं देखिए, ऐसा है, जो स्टार यहाँ बनकर आए हैं वो फिल्मों में और पिक्चरों में चोली घाघरा पहनकर बहू बने होंगे, और बने भी है, काजल निषाद तो यहाँ की बहू है। 13 तारीख को यही कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा? यही कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, मैंने हमेशा जनता के निर्णय का स्वागत किया है, ऐसा नहीं है, मैंने हार का सामना किया है पत्रकार महोदय, बिल्कुल किया, मैंने किया है, 2012 में किया और 2022 में।
मैंने निर्णय स्वीकारा है तो जनता का जो भी निर्णय आएगा मेरे सर आंखों पर। 13 के बाद भी यहाँ सड़कों पर रहेंगी? मैं रहूंगी, मैं यहाँ की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल। आपकी पत्नी जो है वो ज्यादा ससुराल में रहती है, एक मायके में रहती है? ससुराल में। तो मैं ससुराल में रहूंगी, ये मेरा ससुराल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी काजल निषाद, जिन्होंने कहा ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है और वो गोरखपुर से इतिहास बदलने जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी और सहयोगी हरिंदर के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर।